अलवर की तिजारा विधानसभा सीट राजस्थान की हॉट सीटों में से एक है। भाजपा ने बाबा बालकनाथ को यहां से प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है। राजस्थान तक से बात करते हुए इमरान खान ने बताया कि मैं भारत का मोहम्मद शमी हूं। बालकनाथ का दिमाग खराब हो गया है, वो ऊट पटांग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। मैंने इंडिया को सेमीफाइनल में जीत दिलवाई, इंडिया की जीत पर जश्न दिलवाया। सभी समाज के लोग मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास पुलिस के प्रेस नोट हैं और ऐसे प्रमाण हैं जिससे साफ है कि सभी समाज के लोग तस्करी में शामिल होते हैं। वायरल हो रहे अपने बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने मेरे बयान से छेड़छाड़ की है। मेरा लंबा वीडियो था। बालकनाथ बिना एनालिसिस किए चुनाव लड़ने आ गए हैं। हमने भारत की जीत का जश्न मनाया है और उन लोगों को ये जवाब दिया है और ये कुदरत की तरफ से ये फैसला है, उसको जवाब ये कुदरत ने दिया है कि आज ही भारत और न्यूजीलैंड का मैच है, आज ही भारत जीता है, आज ही मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए हैं और मैं उसी मोहम्मद शमी बन के बाबा के सामने खड़ा हूँ। भारत की जीत होगी, चुनाव में भी भारत ही जीते, इमरान खान ने कहा कि मेरा एक पुराना धरने का वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो बड़ा था लेकिन मेरा केवल 25 सेकंड का वीडियो चलाया गया। मैं सभी समाजों का सम्मान करता हूं और इज्जत करता हूं। सभी समाजों के मेरे दोस्त हैं जो मुझ पर जान छिड़कते हैं और मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। उन्होंने कहा कि गौ तस्करी में सभी समाज में पुलिस विलुप्त होती है। मेरे पास ऐसे प्रेस नोट हैं और इस तरह के प्रमाण है जिसे साफ है कि उनको तस्करी में शामिल होते हैं। मुसलमान के युवाओं को चलकर उनके साथ मारपीट होती है, उनको जलाया जाता है जिससे समाज का माहौल खराब हो। उन्होंने कहा कि गौ तस्करी के मैं सख्त खिलाफ हूं और गौ तस्करी का इलाज कराना चाहता हूं। मुसलमान को जलाने काटने से उनके साथ मारपीट करने से भाजपा को बढ़त मिलती है क्योंकि उसे हिंदू एकता होती है और भाजपा को यही चाहिए क्योंकि वो विकास और काम की बात नहीं करते। वो केवल हिंदू मुसलमान की बात करके लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। इमरान ने कहा कि मैं भारत का मोहम्मद शमी हूँ, अजहरुद्दीन हूँ। भारत की जीत पर मैंने जश्न मनाया है और मैंने पटाखे चलाए हैं। उन्होंने कहा कि 36 बरादरी मेरे साथ है, हजारों लोगों का समर्थन मिल रहा है, योजना बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं। बाबा ने कभी मेहनत नहीं की, रोजगार नहीं किया। उन्होंने नहीं देखा कि मेहनत मजदूरी क्या होती है। उनके पिता ने मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट नहीं भरा। उन्होंने जीवन में पैसे की अहमियत नहीं देखी। उनके पास पैसे की भरमार है। वो आज भी बेहतर पद पर हैं और आगे भी बड़े पदों पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं।